सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018, 12 लाख छात्रों का भविष्य कल होगा फाइनल। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख छात्रों का भविष्य कल फाइनल होगा 12वीं का रिजल्ट घोषित होते ही। और इसी के साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। जैसे कि हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स के मेल आए थे, कुछ हमारे व्यूअर्स के मेल आए थे हमारे पास, उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए थे। जैसे कि सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा कि किस टाइम पर आ रहा है रिजल्ट। दोस्तों, यहाँ पे तारीख तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे टाइम को लेकर के कुछ इश्यू है जिसके बारे में अभी हम आपसे इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और इसी के साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दें। जैसे कि दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे आया छात्रों का कि कितने प्रतिशत छात्र इस बार पास होने की उम्मीद है, इसका भी जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में आगे देंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और अपने आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018 सबसे पहले आ रहा है sarkariexam.com पर। जी हाँ दोस्तों, अपना बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018 चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे sarkariexam.com ओपन करना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एग्जाम रिजल्ट के सेक्शन में बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018 की एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018 के पेज पे। और सबसे पहले जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट कल आएगा। देखिए सबसे पहले sarkariexam.com पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट की सिर्फ और सिर्फ sarkariexam.com। और आप इसी के साथ ही बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी की और बिना किसी सर्वर इशू के अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकेंगे sarkariexam.com पर विजिट करके। तो दोस्तों, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इस पेज पे आना है और इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है जहां से आपको लिंक दिख रही है डाउनलोड रिजल्ट क्लास 12th की, इसके बाद दिख रही डाउनलोड रिजल्ट क्लास 10th की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन छात्रों को बताना चाहते हैं जो कि अगर 10वीं की परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपका रिजल्ट सबसे पहले आप चेक कर सकेंगे sarkariexam.com पर 20 जून को। जी हाँ दोस्तों, 20 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है sarkariexam.com पर। हम आपसे बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक करिए sarkariexam.com से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लगातार निरंतर हर एक अपडेट, हर एक खबर आप तक पहुंचाई अपने वीडियोस के माध्यम से, चाहे उसके एवज में आपने गलत रिप्लाई किया हो या सही रिप्लाई किया हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है छात्रों तक अपडेट पहुंचाना, तो वही अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास हरदम करता रहा था और आगे भी करता रहूंगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देते हैं अपने कुछ सवालों का जवाब। और अपने सवालों के जवाब के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले लेके आए livehindustan.com की एक खबर में, जहां की आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2018, बिहार बोर्ड इंटर के 12 लाख स्टूडेंट के भविष्य का फैसला कल। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख विद्यार्थियों और छात्रों के नसीब का फैसला, भविष्य का फैसला कल होना है। तो दोस्तों, इस खबर की पूरी डिटेल पढ़ने के लिए जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 12 लाख स्टूडेंट के भविष्य का फैसला कल होगा। बिहार बोर्ड एक साथ ही इंटरमीडिएट आर्ट, वोकेशनल इंटरमीडिएट आर्ट, इंटरमीडिएट कॉमर्स और इंटरमीडिएट साइंस के रिजल्ट जारी करेगा। मतलब दोस्तों, 12वीं के सभी स्ट्रीम के रिजल्ट कल आ जाएंगे। और अब हमारा दूसरा सवाल, जो मेन सवाल था कि क्या रहेगा इस बार का प्रतिशत। तो दोस्तों, इस बार के प्रतिशत के लिए आपको बता दें कि इस बार का प्रतिशत तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, अभी इस तरह से कोई आंकड़ा नहीं बताया जा सकता। और अगर, लेकिन यहाँ पे अगर 2017 की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंस में 30.11% छात्र पास हुए थे, आर्ट्स में 37.13% छात्र और कॉमर्स में 73.76% छात्र शामिल हुए थे, मतलब पास हुए थे। 5% हमने आपको यहां बता दिया तीनों ही स्ट्रीम का। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप समय की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे तारीख निर्धारित कर दी गई है 6 जून की, लेकिन अभी समय निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको लगातार विजिट करते रहना है sarkariexam.com, सुबह 10 बजे से ही लग जाइएगा अपना रिजल्ट चेक करने में, ठीक है। और इसके बाद आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी sarkariexam.com से कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, अपना बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018 सबसे पहले चेक करिए sarkariexam.com विजिट करके, बिना किसी सर्वर इशू के, बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के और बिना किसी दिक्कत के। और इसी के साथ ही
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी जानकारी पसंद आती है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन्हें भी इन्फॉर्म करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बिहार बोर्ड रिजल्ट 2018 से जुड़ी हर खबर, हर टॉपिक और हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं को जिनका कल 12वीं का रिजल्ट है, उन्हें सरकारी एग्जाम.com टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।